किसान ये कह रहे हैं कि उन्हें कुचलने की कोशिश की गई है, उनके साथियों को कुचलने की कोशिश की गई है। काफिले को रोका गया था, काफिले के आगे काले झंडे दिखाए गए थे किसानों के द्वारा। हालांकि मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि उनके बेटे की गाड़ी पर पथराव भी किया गया था और इसी दौरान ये हादसा पेश आया। इसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें किसान गाड़ी की चपेट में आ गए, जिसके बाद वहां मौजूद किसानों का जो गुस्सा था वो भड़क उठा। कई गाड़ियां वहां पर पलटाई गई हैं, कई गाड़ियों में आग की घटना भी हुई है, आगजनी कर दी गई है। मौके पर पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को किसानों ने वापस लौटा दिया है। सपा नेता लखीमपुर हिंसा के बाद यहां पर पहुंचे थे, लेकिन किसान इस वक्त इतना गुस्से में है, किसान इस वक्त इतना भड़का हुआ है कि वो किसी भी राजनीतिक दल की बात सुनने को तैयार नहीं है। सपा के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो इस पूरी घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंचे, किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उन्हें वापस लौटा दिया है, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। हमारे साथ देखिए, अपने हाथों में मैंने अभी मैंने अपना भाई गवा दिया अपने हाथों में 20 साल का। अरे भाई, तो हम लोग साथ में कहाँ है हमारे, आप साथ में भारत में हमारे साथ वहाँ पे आप हमारे साथ नहीं है, आप अपनी रोटियां सेक रहे हैं। आपको अगर आना है तो अपनी पार्टी का झंडा उतारिए, अपनी पार्टी का झंडा उतार के हमारे साथ देखिए, अपने हाथों में मैंने अभी मैंने अपना भाई गवा दिया अपने हाथों में 20 साल का। अरे भाई, तो हम लोग पार्टी का झंडा उतार कर बैठिए हमारे साथ, अगर आपको बैठना है हुजूर हमारे साथ बैठिए, हमारे इस आंदोलन में शामिल होइए, लेकिन राजनीति मत करिए। देखिए, हाथ जोड़े कुछ बुजुर्ग किसान भी आपको नजर आ रहे होंगे जो ये कह रहे हैं कि अब इस घटनाक्रम पर हमें राजनीति नहीं चाहिए, आप राजनीति मत करिए। अगर आपको वाकई में हमारे दुख का एहसास है, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो आप अपनी पार्टी का झंडा उतारिए और आइए हमारे साथ बैठिए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। ये वहां पर मौजूद किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जो तमाम राजनीतिक दल अब इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको जरूर सबक है, क्योंकि किसान अब इस मूड में नहीं है कि कोई भी इस पूरे मामले पर राजनीति करे। किसान ये चाहता है कि ठीक है, अगर आपको हमारे दुख का अंदाजा है, हमारे आंदोलन का अंदाजा है, तो आप पार्टी का झंडा उतारिए, टोपी उतारिए और हमारे साथ बैठिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रहे हैं। गोरखपुर में सीएम ने रद्द कर दिए हैं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम। लखीमपुर की घटना के बाद सीएम ने अपने कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सीएम गोरखपुर से तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। ये घटना कितनी बड़ी है आप अंदाजा इसी बात से लगाइए कि मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं इस घटना पर और उन्होंने अपने पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम थे गोरखपुर में कल, वो तमाम रद्द कर दिए हैं और सीधे लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। लखीमपुर की घटना के बाद सीएम ने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं और लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं गोरखपुर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस पूरी घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री की जो नजर है वो बनी हुई है। तमाम बड़े अधिकारियों को लखीमपुर खीरी में जाने के निर्देश दिए गए। अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी पहुंच चुकी हैं लखीमपुर खीरी में और मुख्यमंत्री ने भी अपने तमाम जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे गोरखपुर के वो रद्द कर दिए हैं और तत्काल वो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी हो चुकी है। 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी हालात संभले हुए हैं ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो किसान है वो अब इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम जो किसान संगठन है वो अब लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हो रहे हैं। राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के लिए तत्काल प्रभाव से रवाना हो चुके हैं और अब किसानों को इंतजार है राकेश टिकैत का, उसके बाद ही वो आगे किस तरीके से अब इस पूरे आंदोलन को लेकर जाएंगे।